सबने मिलकर मीठे में ताली के साथ बालाजी महाराज को बुलाना, स्थान देना और क्या करना। आना पवन कुमार हमारे घर कीर्तन में, भोले जी को लाना, भोले जी को लाना, भोले जी को लाना।
बोली बालाजी महाराज की। सभी देवी देवताओं स्थान दिए हुए हैं, बाबा भैरनाथ के दरबार में आमंत्रित करने जा रहे हो पंडित गिरिराज जी शर्मा। बाबा के दरबार में इतने हाथ लेकर के आए और बाबा के दरबार में यीशु जिन्नी भी पहुंचे हैं, ये भी अपनी हाजिरी लगाएंगे। तो आइए, मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं पंडित गिरिराज शर्मा। आइए बाबा के दरबार में पंडित गिरिराज शर्मा। दरबार की देखिए, हर देवी देवता की एक जय घोष होती है और सबको पता भी होगा कृष्ण जी कि भैरवनाथ जी भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं। तो क्यों ना भोलेनाथ के साथ भैरव बाबा को जोड़ के एक नारा बनाया। हम कहेंगे हर हर महादेव, हाथ सभी कहेंगे भैरवनाथ बाबा की जय। अपने दोनों हाथ ऊपर करके आज इस सुहाने दरबार में, सुनहरी दरबार के अंदर हमने जय घोष करके हाजिर लगानी है। हर हर महादेव, भैरवनाथ रक्षा करे। तो आइए, कहते हैं कि जीवन के तीन पहलू, तीन पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जब बुढ़ापा होता है तब जाके सत्संग की तरफ आदमी मुंह करता है। लेकिन गुणी लोग कहते हैं कि जब पूरा फूल खिला हो तब अगर इसकी शरण में लग जाए तो ये मानिए वो फूल सही माने में समर्पित होता है। ये जो भैरवनाथ युवक संघ है, ये वो खिले हुए पुष्प हैं जवानी के। युवक शब्द है जवानी का। तो युवक भैरवनाथ की सेवा में जो लगे हैं, पहले तो इस पूरे समूह के लिए तालियां बजाइए। आप कपिल जी इधर आइए जरा, एक बार आप से आपके साथ तो अमित जी हैं, शांति भाई बैठे खड़े हैं, शांति चुपचाप खड़े कैसे, आइए आप भी आइए। हाँ जी, और इधर बलजीत जी, इन युवकों के लिए तालियां बजाइए क्योंकि ये उस स्थान पे हैं कि बचपन होता है एक कली का रूप और जवानी है खिला हुआ वो पुष्प सुगंधित फूल। कभी भगवान को मुरझाए फूल नहीं चढ़ते। अगर इसकी शरण में इसका आशीर्वाद लेना है तो ऐसे युवकों के साथ जुड़ जाइए और एक बार फिर कहिए हर हर महादेव, हर नाथ रक्षा करें। तो आइए, इतना सुहाना दरबार, कल जब हम यहां आए थे तो प्रभु की ऐसी कृपा थी कि बाबा कहता मैंने दो दिन यहां रहना है, पिछले साल वाला कोटा भी इन्होंने पूरा कर लिया। सारी रात इसी जगह पे सजा रहा ये दरबार, हमने भी दर्शन किए और देवताओं ने भी दर्शन किए। इंद्र राजा ने भी बरसा करके, हम उसको कहेंगे कि इनका स्वागत किया उन्होंने, उसको विघ्न नहीं कहेंगे। ये भी परीक्षा थी उन भक्तों की, उन युवकों की, जो हम उस परीक्षा में शायद पूर्ण उतरे हैं। तो आइए सुहाने दरबार के लिए आपके ताली के साथ मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखो रखता है
जिसको वैसा फल मिल जाता, जो जैसी नीयत रखता है। ये माननीय भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए आए, आओ उसी के दरबार में कि बाबा का दरबार सुहाना लगता है, बाबा का दरबार सुहाना लगता है।
अर्जुन ने जब दर्शन दिए उसके बाद हर युग के अंदर जिस तरह हनुमान जी चारों युग के अंदर विराजमान है, इसी तरह भैरव बाबा भी किसी न किसी रूप के अंदर इस धरती के ऊपर वास्तव में है। वो कल प्रमाण बलजीत जी ने भी देख लिया और कपिल जी और सभी ने देखा होगा। कहते हैं कि भक्तों का रखवाला है और इस घोर कलयुग में वही करता है जो इसकी शरण में लग जाता है। दुखों का निपटारा भी इसकी शरण में होता है। एक बार जय घोष करेंगे, हर हर किसी ने सच कहा है, किसी भी जगह जाए तो उसके हो जाए तभी हमारी हाजिर लगती है। जय हो वे भैरवनाथ तेरी, जय हो वे, बोलो अरे जय हो वे, जय हो वे तेरी, जय हो वे हरी माता की, बोलो भाई। एक बात तो सिद्ध है, आप आके ही उसी दिल से आए हो यहाँ और कहते हैं कि जय हो वे तेरी, जय हो वे और शिव शंकर के अवतार तेरी जय हो। एक बार सारे मिलकर ताली बजाएंगे और कहेंगे और जय हो वे, जय हो वे तेरी, हमारे बीच में बैठे हैं क्योंकि अदालत में उस गवाह की तरह म्यूजिशियन होते हैं, उस वकील का मुकदमा फीका पड़ जाता है अगर गवाह हल्के हो तो हमारे इन म्यूजिशियन गवाहों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कर दीजिए।
जगन्नाथ जी पहले बता चुके हैं कि दीपक जी पवार जोधपुर से हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी में लगाएंगे। तो आइए, उनका स्वागत भी होगा और संगीत की धुन के साथ। आइए, अब एक ऐसा भजन आपके समक्ष रखने जा रहा हूं कि हम वादा तो करते हैं कि हे बाबा हमारी आस पूरी कर दो, हम तुम्हारे दर पे आके कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाएंगे। और वो आस पूरी हो जाती है लेकिन भेंट चढ़ाना हम भूल जाते हैं। पर वो मारवाड़ी में कहावत है ना कि बापू जी तो मचकावे है नी, फिर याद आवा हो भूल होगी धोखन जानो। वाजी वाह, दीपक जी आ गए हैं। आओ दीपक जी, कितने प्यारे हैं दीपक जी। एक बार जोर दो, इस दीपक के लिए तालियां बजा दो एक धुन के साथ। दीपक जी पवार हर बाबा के दरबार। दीपक जी विराजमान हो गए हैं, अब तो आपको यकीन हो गया दीपक जी आ गए हैं, तो आप भी एक बार आइए, आसन ले लीजिए, बैठ जाइए। खड़े नहीं रहना है, तो खड़ा तो ये है, ये खड़ा है सबकी रखवाली के लिए, हमें इसका मुकाबला नहीं करना है। बैठ जाइए, जहां जगह मिलती है, इधर बहुत सारी देखो गलीचे बिछी हुए हैं, आइए जरा शोभा बढ़ाइए बैठ करके, इधर आ जाओ, वहीं बैठ के खा लेना, कोई बात नहीं। जय नारायण। हमारे साथी कैलाश जी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और कृष्ण जी के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं। कृष्ण जी आप प्रभु कृपा है, बोलने वाले कृपा है, हमारा शरीर अवगुणों से भरा हुआ है, हम जुड़ते हैं दरबार से जाके मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी हो जाती हैं, और जब थोड़ी सी भूल हो जाती है तब कान मरोड़ने वाला कान भी मरोड़ता है, याद दिलवाता कहीं ना कहीं कि वादा किया था तूने लौट के आने का। फिर जब शरीर में कष्ट होता है, बच्चों को तकलीफ होती है, फिर याद आती है कि उसके दर पे जाना था, चलो घर बाबा की थोक खा के आते हैं, उसके बाद शायद सब ठीक हो जाए, और वाकई ठीक हो जाता है जिस दिन वही प्रण करते हैं। तो ये अवगुण क्या है हमारे बीच में, कबीर जी का एक भजन आपके बीच में रख रहा हूं, उसके बाद पवार जी आएंगे। सुनो रे भाई अवगुण को हो लटको, अगर अवगुण ना हो तो निश्चय हमारा जीवन बड़ा शुद्ध और सुंदर बने। सुनो रे भाई अब गुण को लटको, सुनो रे भाई अब गुण को लटको, सुनो रे भाई को लटको, सुनो रे भाई अब गुण 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 को लटको। और अवगुण कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। जल में नहा, जल में किसी भी जगह हम खुले पानी में अगर नहाने का मौका मिल जाए, खास करके गंगा जी में, किशन जी इतना ठंडा पानी होता है जो अंदर घुस जाते हैं ना कमर तक, तो वहीं तो खुल्ला कर देते हैं, इतना पवित्र पानी है।
मात पिता सिंह करणो बोले त्रिया से भी डर और बहन मां से कहना है कि बाबा गुनाह करता हूं तेरी रहमत के बल पे। किशन जी, अमित जी, इसी से ये कहना कि गुनाह करता हूं तेरी रहमत के बल पे, सुना है तुझे बख्श देने की आदत है, इसलिए गुनाह हो जाते हैं। और अगर भूल से भी कोई भूल हो जाए और मन से सच्चे से अगर क्षमा मांग ली जाए तो ये मानिए कि ये क्षमा भी देता है और प्रसाद भी देता है, दया से दंड के बदले आशीर्वाद भी देता है। आइए भैरव बाबा के दरबार में क्या दीवानगी है लिखने वाले ने लिखा है, हमारे कैलाश जी ने एक भजन लिखा है, तो कैलाश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि लिखते बहुत अच्छा है। आकर तुम्हारे दर पे दीवाना हो गया हो, भूला हूं मैं खुदी को बेगाना हो गया हूं। और पंजाबी में एक शायर में लिखा है कि मिट्टी दिए मुंह पे मिट्टी उत्ते मान कर, मिट्टी दिए मूर्त ना मिट्टी उत्ते मान कर, मिट्टी दिया मूर्त ने मिट्टी बन जानिया, नित दिन चढ़ गए नौदिया ने नवियां ते नालो नालो तुरी जाने जेड़िया पुरानी। यही कह रहा है जो इसके दर पे आके दीवाना बन जाता है, समझिए उसकी दीवानगी को देख करके ये भी उसका दीवाना हो जाता है। आकर तुम्हारे दर पे दीवाना हो गया हूँ,
भूला हूँ मैं खुदी को, बेगाना हो गया हूँ मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया।
आइए अब हमारे बीच में जिनका इंतजार है वो आ चुके हैं। अब आपके बीच में जिनका हम पिछले 26 घंटों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारा साथ दे रहे हैं दीपक जी 26 घंटे से। कल 9 बजे प्रोग्राम शुरू होना था, ये भी खड़े हैं, हम भी इंतजार में खड़े हैं, और आपने तो पूरी तार बांध ली। आइए दीपक जी अपनी प्रस्तुति देंगे एक बार। अच्छा आइए दीपक जी, एक मेरे लिए इन्होंने फरमाइश की है कि मैं सुनाऊं, वो गीत नहीं है, क्यों मैं पिछले 40 वर्षों से मंच के ऊपर रावण की भूमिका निभा रहा हूं। तो 40 वर्षों के अंदर, हाँ ये हमारे शांति जी भी रावण बने, और 40 वर्षों में मैं आपको करिश्मा ये बताऊं, 40 सीता का हरण करके नाभि में तीन खाया, और 40 वर्षों के अंदर कम से कम 20 राम बदल गए, लेकिन रावण वहीं का वहीं उसी मंच के ऊपर। और आज कपिल जी ने कहा कि रामलला के कुछ डायलॉग सुनाए, तो मैं दो डायलॉग सुना करके जो माइक है दीपक जी को दूंगा। तो दीपक जी, जिस वक्त वेदवती रावण के सन्मुख वार्ता होती है, वेदवती अपने आप को जलाने के लिए अग्नि में प्रवेश करना चाहती है, रावण रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकती और वो अपने आप को भस्म करती है, तब रावण एक प्रतिज्ञा रूपी एक शब्द कहते हैं, वो डायलॉग सुनाता हूं कपिल जी। तो मैं भी ये प्रतिज्ञा करता हूं कि उस समय तुझे मेरी लंका अवश्य दिखाऊंगा। और एक दूसरा डायलॉग और भी है, जब हनुमान रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं, तो भरी सभा के अंदर रावण ये हुक्म सुनाते हैं कि इस बंदर ने अपने पूंछ से मेरा बाग उजाड़ा है। तो अपने सैनिकों कहते हैं कि बेपूछे पूंछ घुमा कर पीने क्या उजाड़ा सारा है, अधैर में पूछा करो इसे, अब ये आदेश हमारा है, जब चले पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए शीघ्र ने सन्मुख मेरे ले आए। इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। इसी के साथ मैं अगला माइक का कार्यक्रम दीपक जी को, देखो दीपक अपने आप में एक बहुत सुंदर नाम है, इनके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है वो आपको मैं बता चलू, परिचय देता चलू, क्यों इनका नाम भी एक सिद्ध है, दीपक जलाने का समय भी आ गया है। दीपक क्यों जले, राम वनवास करके रावण को जीत करके अयोध्या आए तो दीपक जले, तो दीपक हमारे सामने भी खड़े हैं। और वैसे दीप जब भी अंधेरा होता है तो दीपक को जला करके उजाला किया जाता है, आपने कल वाला अंधेरा भी मिटा दिया और आज भी बाबा के चरणों में प्रज्वलित होकर के इन सब के दिलों के अंदर एक रोशनी फैला दीजिए, ताकि आशीर्वाद रूपी मिलते रहेंगे, मंच तो मिलता रहता है कलाकारों को, और इधर हमारे भाई साहब कृष्ण जी का बड़ा आशीर्वाद है। तो आइए दीपक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां और म्यूजिक के साथ माइक दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ जा रहे हैं सर? इतना सब कुछ बोल दिया इन्होंने। अच्छा दिल्ली से, हाँ एक जल्दी से मना तो नहीं करेंगे आप?
आपका प्रेम है, आपका भाव है। जय माता दी सर। आगे है सरकार, एक बार सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई साहब दिलराज जी शर्मा का दिल से दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं। नहीं सर, एक कलाकार को सम्मान चाहिए होता है, वो प्रेम का भोगा होता है। जो भी धरुनाथ के भक्त है उनसे निवेदन करूंगा, जो धरुनाथ के भक्त नहीं उनसे मैं कहने की कोई जहमत ही नहीं उठाऊंगा। उठाए दोनों हाथ। ऊपर उठा के 11 तानी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्या बात है, एक्स्ट्रा बजा लिया यार, ऐसा प्रेम और कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हनुमानगढ़ की इस धन्य धरार पर, मैं तो जोधपुर से हूँ लेकिन हमारे अमित जी ने, हमारे विक्की भाई ने, मूलचंद जी ने, और जिनका मैं अगर नाम ना ले पाऊं, जो कार्यकर्ता है मैं माफी चाहता हूँ, सभी ने प्रयास तरीके से कार्य किया है, आप सभी का पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद। 2 साल कोरोना के कैसे बीते, हारमोनियम तबले ढोलक को लाल कपड़े में बांधकर साखिया बनाकर ऊपर रखती है मैं। अब क्या करें, कलाकार है सर, कलाकार का तो मंच ही सब कुछ होता है। सर्वेश्वर क्या मैं सर कह रहा हूं, गलत कह रहा तो, लेकिन इस कोरोना काल में अगर कमी है, थोड़ी बहुत कमी है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। एक ऐड आता है ना, अब पूंछ पूंछ बाकी रहती, वो हाथी आता है उसमें घर में, तो पूंछ बाकी है, इस पूंछ से भी डरना बहुत जरूरी है। देखिए महाराज घर परिवार है, बाल बच्चे हैं। चलिए गिरिराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे प्रभावित किया अपने गायन से भी और अपने डायलॉग डिलीवरी से भी रावण के लिए। हे राम तुम्हारे युग का तो रावण भी अच्छा था, तुम्हारे युग का रावण भी अच्छा था, कम से कम स्त्रियों की इज्जत तो करता था। इज्जत का मतलब ये नहीं उठा के ले गए, कृत्य किया है लेकिन छुआ तक नहीं, छुआ तक नहीं स्त्री को, पवित्र की पवित्र श्री राम को लौटाया है। उस रामचंद्र के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो ऐसे अनुभवी कलाकार जी शार्प माइनर आ गया हो सर, आप भी अगर मेरे साथ गाए तो आनंद आ जाएगा। छोटा मुंह बड़ी बात, अगर कोई त्रुटि हो क्षमा कर देना मुझे बच्चा समझ कर। और आज भैरवनाथ महाराज के श्री चरणों में, माँ जगदम्बे के श्री चरणों में, माजी माँ के श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं अपना गायन शुरू करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। थोड़ा सा यहाँ बोलने वाले पिछली बार भी जब मैंने शुरुआत किया था तो इसी भजन से शुरू किया था। कहते हैं ना मारवाड़ी में बोणी बढ़िया वह तो सारा काम ही अच्छा हो, बोणी अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी भैरू बाबा के भक्त हैं, माता जी के भक्त हैं, आज हमें कीर्तन करना है। ये 1.5-2 साल बाद में जो हमें सौभाग्य मिला है इन कार्यकर्ताओं और भैरू बाबा के आशीर्वाद से, ये सौभाग्य थाली नहीं जाना चाहिए। सभी जाते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन ये एक रात है, वापस ऐसा भजन आप हमें कब नसीब और हम आपको कब नसीब। बोलो जगदम्बे मात की, भैरवनाथ महाराज की। थोड़ा बोलो
गुरु बाबा के दरबार में उससे पहले गुरु महाराज का भजन। गुरु है तो मन में शांति है। अब किस किस के गुरु किए हुए जरा मुझे बताएं हाथ खड़ा कर। इस कलियुगी संसार में किस किस ने गुरु किए हैं धर्म गुरु? पूरा हाथ माता जी ऐसा मत कीजिए, पता ही नहीं चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिन्होंने गुरु किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनको गुरु कर लेना चाहिए। रब रोटी को 100 बार रूठे गुरु नहीं रूठना चाहिए। भगवान हमारे साथ होते नहीं है लेकिन अपने रूप में, अपने अक्ष रूप में धरती पर गुरु को भेजते हैं ताकि मार्गदर्शन करें और सत्संग की राह पर हमें ले जाएं। मानव जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं है, सत्संग करने के लिए है। और सबसे बड़ी सत्संग संन्यास, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तुझको सौंप दूं, सौंप दूं, सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। क्या बात है रामो भैया, एक बार हमारे रामो भैया के लिए जोरदार, हमारे हनुमानगढ़ की आने वाले शान है, एक बार दिल से ताली बजा। अरे कलाकार सम्मान का भूखा होता है सर, क्यों? क्योंकि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के जो आज तक हिट सॉन्ग हुए हैं इस पिछले 5-7 सालों में, रेमो भाई की देन, बरस बरस मारा इंदर राजा, किसने सुना है? किस किसने सुना है बरस बरस मारा इंदर राजा? रेमो भाई की देन। बागा में झूलन गई, किसकी देन है? रेमो भाई। और मेरे भी याद करूं तो घड़ी कदर निकले, ओ परदेसी मरो जियो तक। क्या रेमो भाई, क्या बात है। साईं इतना दीजिए, साधु न भूखा जाए। कभी भी आप संत के चरणों में गए, संत की कुटिया में गए, संतों के पास गए हैं तो सबसे पहले यही बोलेंगे, संत प्रसादी करी, भोजन लिया, इनको पहले प्रसादी कराओ, भूखा कभी मेरे दर से नहीं जाना चाहिए। तो एक भक्त अरदास करता है अपने गुरु महाराज से, क्या बोलता है देखिए, कि हे गुरुदेव, इस भवसागर रूपी संसार में मैं एक ऐसी पतंग हूं जिसकी डोर आपके हाथ में है, जिसकी डोर आपके हाथ में है। अगर मेरे कुकर्मों की वजह से, मेरे गंदे कर्मों की वजह से अगर कहीं मैं भटक गया तो उस डोर को थामे रखना। तो ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग। तालियों के बिना मैं शुरू नहीं करूंगा। जो गुरु भक्त है उठाए दोनों हाथ, एक दो तीन। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग। बाबा विच उड़ती जावांगी, बाबा विच उड़ती जावांगी, ओ बाबा दो सतना मैं लट जावांगी, ओ सतना दो सतना मैं लट जावांगी, ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा विच उड़ती जावांगी, बाबा विच उड़ती जावांगी।
जावाते ओ सतगुरु मैं तेरी पतन ओ बाबा मैं तेरी पतन झूठे जग में मेरा पेचा लाइना पेश मत लड़ा गुरुदेव जे कट गई ता सतगुरु जे कट गई ता सतगुरु सब मैं लुट जावांगी बाबा डोर सत छड़े ना मैं कट जावांगी हो एना चरना कमला ला लो एना चरना कमला ला लो मजबूर हो पाई सतगुरु जे कट गई ता सतगुरु जे कट गई ता सतगुरु तां लुटी जावांगी तां लुटी जावांगी बाबा तोर हथो छड़ी ना मैं कट जावांगी ओ सैया तोर हथो छड़ी ना मैं कट जावांगी ओ सतगुरु मैं तेरी
अब गुरुदेव जी चरणों के बाद हम माता के दरबार में चलते हैं। अब किसको माँ से प्यार है जरा मुझे हाथ उठा के बताइए। माता शक्ति बैठी है, देखिए इनको तो पाँव धोप देने की इच्छा हो जाए। अरे ऐसे मत करो, मैं सजा नहीं दे रहा हूँ मेरी माताओं, ऐसे करो। किसको मैया से प्यार है? भाई लोग कोई जयकारा नहीं लगाए माता में, माता शक्ति देखे दरवाजा वाले भूखिए फिर भी जयकारा लगाएंगे। देखिए बोलो जगदम्बे मात की, नहीं अभी ताकत नहीं आई, माना की भूखी है चांद तो दिखे। बोलो जगदम्बे मात की। ओहो, अब देखिए मातृशक्ति के लिए हमारे सब भाई लोग जयकारा लगाएंगे। देखिए क्योंकि आज आपने अपने परमेश्वर के लिए करवा चौथ रखा है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। मैं आपको नमन करता हूँ मेरी माताओं, और आपको आप सभी को मातृशक्ति के लिए जयकारा लगाना है। उस मातृशक्ति की जगदम्बे मात की, भैरव जी महाराज की। जी सर मैनेजर। मैया को बुलाते हैं और भैरू बाबा को भी पीछे पीछे बुलाते हैं। अच्छा कौन कौन बुलाना चाहता है, हाथ खड़ा कीजिए। ओ हो हो हो, नहीं नहीं आधे देखो कुछ वो भाई साहब ऐसे बैठे हैं, ऐसे वो बालकनी में टिकट लिए वैसे भी बैठे हैं। कौन कौन बुलाना चाहता है? क्या बात है, क्या बात है। एक बार मैं आपके लिए नमन करता हूं। किरपन की है रात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किरपन की है रात, मैया आज थाने आड़ो है। किस किसने ये भजन सुना है? हाँ हाँ, क्या बात। जो बैठे आगे आगे बैठे ना, पीछे जगह बैठी, यहाँ बैठ सकते हैं आप। खड़े कब तक रहेंगे आप और हम? आनंद आएगा, देखिए वो पीछे भी बैठ लगी हुई है। थोड़ा सा प्रेशर कॉर्ड से रखना। कीर्तन की है तो क्षमा जाए। कीर्तन की है रात, मैया मैया आज थाने आड़ो है। थाने कोल निभाड़ो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, मैया आज थाने आड़ो है। कीर्तन की है कीर्तन करते हैं ना, तो कभी भी कीर्तन को ना तो देखो भाई साहब ये गलत तरीका कीर्तन में बैठने का। पालती लगाइए और मीठी मीठी तालियां बजाते रहेंगे। देखिए जो सबसे भक्त है वो मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। हाँ, और आप भी गुनगुनाएंगे, उस लिस्ट में आपका भी नाम कैद हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक एक दो तीन चार। Thank you.
अमित भैया और मूलचंद जी भैया और जितने भी हमारे भक्त लोग हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, उसे माफी चाहता हूँ, इतनी मेहनत की है, देखिए तो इनके लिए मैं गा रहा हूँ। Oh, my God, they are proud of me.
आपके शीर्ष पर चाहिए, जरा हाथ अपने शीर्ष सर पर लगाएं महाराज, किसको चाहिए? अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो उस मातृ शक्ति उस मैया से मैं निवेदन करता हूं, मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे मैया हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तो अपने गले लगाती हो सुनार मेरे शरणागत को अपने गले लगाती हो, शरणागत आता है तो गले लगाती है, फिर मैंने क्या क्या शुरू किया, अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराती हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराती हो, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस काम रखना हो तो दीजिए अरे मैया हमको दीजिए जन्म जन्म का क्या होती है, देखिए महाराज इनके लिए क्या जोरदार मन से ताली बजाती है, ये फैसला मेरे सर के ऊपर है, मेरे सर के ऊपर है, इसको मैं कभी खर्च नहीं करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये भी एक भाव ये श्रद्धा क्योंकि राह पर कोई भी चलता है ना, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, किसी की बात नहीं करूंगा, हम जोधपुर में जाते हैं गाड़ी में लेते हैं कार में, जैसे आते हैं भैया कुछ दे दो, उसको कहते हैं हम कि भाई कमा कर खा, क्या कहते हैं कमा कर खा, लेकिन जब वो उसी फुटपाथ पर छोटी छोटी दो दो रुपए वाली पेंसिल या एक पेन लेके घूमता है, एक गुब्बारा लेकर घूमता है, अरे भाई नीचे साइड पर ये दोहरा रवैया क्यों, अगर दो पांच दस पंद्रह बीस उनको अगर दे देते उनका शाम का भोजन हो जाता है, आपके बीस रुपए से कुछ कुछ धन खाली नहीं हो जाएगा, कोई धन खाली नहीं होगा, अगर बात अच्छी लगे तो मुस्कुरा देना, सच्ची लगे तो ताली बजा देना,
चरणों के तारे चरणा। क्या भाई जी तेरे बोलूं या तारे बोलूं कहीं फर्क पड़ेगा। तारे चरणा मैं है पुजारी भगत घर पर घर हमारे नारी। सबसे बड़ा सम्मान है सर, मैं तो झुककर प्रणाम करके आप सबको, मैं तो छोटा सा कलाकार हूं लेकिन जब ऐसी तालियां मिलती हैं तो मन प्रफुल्लित तो हो जाता। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जब हम भक्ति करने बैठते हैं ना सरकार, जब हम भक्ति करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? भाव। अगर किसी के हृदय में भाव नहीं है तो कितने भी जतन कर लो ना तो मैया आपके पास आएगी ना धरू जी। भाव अगर अच्छे होंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे। क्या होंगे? कर्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संतों की वाणियां महाराज, मुझे बड़ा चढ़ा के तालियां मत बजा देना वापिस, ये संतों की वाणियां हैं। अगर जीवन में आपने कर्म अच्छे नहीं किए हैं, कर्म का मतलब तो आपसे ज्यादा कौन समझे महाराज, मैं क्या समझा। माँ बाप की सेवा कोई गुप करते हैं, सौ चीजें बोलते हैं। कर्म अच्छे हैं तो भगवान आपके साथ में, अगर कर्म अच्छे नहीं है तो भगवान भी साथ नहीं है। अरे बोलते रहिए, मुझे तो पता चले आप सभी सुन रहे हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक थे कवि गंग। बिरला जी सुनिएगा, अकबर के नवरत्नों में से थे कवि गंग। नवरत्न में कौन 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 थे, कोई और नाम बता सकता है? नवरत्न अकबर के कौन है ऐसे हमारे युवा वर्ग में हो रहा है? अकबर के दरबार में नवरत्न कौन था? बैठ जल्दी, अरे दौड़ के सरमाना कहेगा, मैं आ जाऊंगा। अच्छा याद नहीं, दो रत्न बता दे। वैसे माफी चाहता हूं, नवरत्न तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन कहते हैं टोडरमल जी थे, राजा मानसिंह जी थे, है ना, कवि गंग थे, है ना, और एक वो बीरबल जी थे, मियां तानसेन थे, बहुत बड़े गायक हैं, उसमें से थे कवि गंग भी थे। उन्होंने हमेशा अकबर को अच्छी राय दी है। अकबर के पुत्र कौन थे? शाहजहां या जहांगीर? शाहजहां था। उनको कवि गंग की बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो सटीक कवि तक लिखते थे, हाथी के पैर से कुचलवा कर मार दिया कवि गंग को। लेकिन अकबर अकबर सुनते थे, कितनी सुंदर बात बोली के बाल से आड़ व्रत से विरोध चंचल नार से ना हसिए। बाल से आड़ व्रत से विरोध चंचल नार से ना हसिए, ओछे की प्रीत गुलाम की संगत औकट घाट पे ना धसिए। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर पूर्ण से सदा दूर बसी। बाल से आड़, बालक को प्यार करो, प्यार करने की चीज है, बालक के साथ मजाक नहीं होती है, बस लोगों के बीच में आपकी बेइज्जती कर देगा। जैसे किसी का नाम है करण, ए करणी है,
बोल देगा। छोटा बालक क्या समझे, बाल से आड़ उसको प्यार करो, व्रत से विरोध बुरा आदमी कितना दिन होता है, तब उनके फोटो पर माला चढ़ जाए कुछ पता नहीं। व्रत से विरोध चंचल नार से ना हंसी, 10-20 लोगों के बीच में अगर आप नारी जाति से बात करते गलत नहीं होते, भी गलत ठहरा दिया जाएंगे। बाल से आड़ व्रत से विरोध चंचल नार से ना हंसिए, ओछे की प्रीत गुलाम की संग, ओछे आदमी का क्या हो सकता, गुलाम आपकी बात मुझ तक पहुंचाने वाला और अब मेरी बात आप तक पहुंचाने वाला, और कभी घाट पे ना दसिए कभी गम कहे सुन शाह अकबर, झूठ से सदा दूर बसिए, कूड़ आदमी से दूर बसिए। इसलिए उस कवि को मैं यहां से प्रणाम करता हूं और उससे हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर कर्म अच्छे हैं तो माँ भी साथ में, घर जो महाराज भी साथ में। तो एक बार इस मातृशक्ति के लिए कीर्तन में हमने माँ और भैरवजी को बुला तो दिया, अगर उनका नाम का जयकारा नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा। बोलो जगदम्बे मात की, भैरवजी महाराज की। वाह जी वाह, भैरवजी का बिल्कुल आदेश मिला है कि भैरव जी महाराज का भजन चाल लगा दिया। चलो चलो आपकी आदेश शरा तो पर सर, अच्छा पूरा ठीक है बिल्कुल सर, आपका आदेश शरा तो पर महाराज के अलग म्यूजिक बजता है सर, हमारे बातों में नहीं है उसका आनंद आता है। लेकिन हम आगे अरदास भी करेंगे, तो छोड़ दो प्यालो और छोड़ दो साथ कला लड़ दो, भैरव जी महाराज पियो दूध आनंद। तो कला लड़े ने कालो दिनो घरवाली ने गोरो, पड़ोसन ने छोरी दीनी घरवाली ने छोरो, पड़ोसन ने छोरी दीनी घरवाली ने छोरो, उखर पगरे घुंघरी अरे माल भर जी भटिया। Oh, darling.
Thank you.
पहला हमेशा के लिए पिया है तो मेरा भी नुकसान है। अगर आपने यही प्याला पिया है तो मेरे दूध सही का क्या होगा? भरोची उमीरे गुजरी देवे Yeah.